Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, ऐसे को बोलते हैं वो चार्ज से गए रेसलमेनिया 38 में और चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच पॉसिबली दिख सकता है जो कि होने वाला है बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर, जहाँ पे गाइज दोनों ही WWE के सबसे बड़े चैंपियनशिप जो कि है WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होते हुए दिखने वाले हैं। आज इस एपिसोड में यही बात करने वाले कि किसके सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं मैच में जीतने के लिए और कौन वॉकआउट कर सकता है पॉसिबली द न्यू WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप WrestleMania 38 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस जो WWE गाइस हमको पॉसिबली गाइस मोस्ट प्रोबेबली जो कि WrestleMania 38 है वहां पे गाइस वो हमको रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच दिखा सकती है जो कि गाइस एक डबल चैंपियनशिप मैच होगा जहां पे दोनों ही WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहे। इतने बड़े बड़े मैचेस में डालती है तो उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपोज होते हैं, तो WWE हमेशा गाइस ब्रॉक लेसनर को बड़े बड़े मैचेस में डालते हुए देखती है। और प्लस गाइस ये भी चीज है कि गाइस जो ब्रॉक लेसनर है गाइस वो WWE को बहुत ही मोटे वाले फायदा कर रहे थे कभी भी वो ऐसे बड़े मैचेस में रेसल कर दे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर गाइस वो WWE को साल के $12 million चार्ज करते हैं, गाइस इंडियन रूपीज में जो 12 million रहते हैं गाइस वो ऑलमोस्ट गाइस 70 crore से भी ऊपर जाते हैं। जो ब्रॉक लेसनर गाइस वो WWE को इतना मोटा पैसा चार्ज करते हैं और इस क्या WWE इतना बड़ा मैच में गाइस ब्रॉक लेसनर को हराने को अफोर्ड करेगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। पहली चीज गाइस जो ब्रॉक लेसनर है गाइस वो पहले रोमन रेंस के साथ पहले मैच में आ गए थे जो कि था क्राउन जूल में, और जो सेकंड मैच गाइस मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया 38 में है और गाइस वहां पे जो ब्रॉक लेसनर वो हारते हैं तो जो ब्रॉक लेसनर स्टार पावर है गाइस वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होगी और गाइस WWE को जो मोटे पैसे जो ब्रॉक को देते गाइस वो भी गाइस बहुत वेस्ट लगेगा। इसलिए WWE गाइस पॉसिबली गाइस हमको रेसलमेनिया 38 में जो कि ब्रॉक लेसनर गाइस वो हमको मोस्ट प्रोबेबली तभी हमको रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच दिखेगा जहां पर दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहेंगे फॉर WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जो ब्रॉक लेसनर गाइस उनके सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे कि वे मैच में वॉकआउट करेंगे विनर और वे मैच में द न्यू WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन एज वॉकआउट करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रॉक लेसनर जो है कंपनी के सबसे बड़े स्टार है और WWE कभी भी ऐसा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती ब्रॉक लेसनर जैसे स्टार को। जो ब्रॉक है वो मोस्ट प्रोबेबली हमको WWE के WrestleMania 8 के पेपरों में एज द न्यू WWE चैंपियन और WWE चैंपियन वॉकआउट करते हुए देखने वाले हैं। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।